आप देख रहे हैं संवेदना न्यूज, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। पालघर जिले के नाला सुपारा पूर्व के प्रभाग में विभिन्न समस्याओं को लेकर समाज सेवक संदीप मिश्रा का 21 फरवरी 2022 दिन मंगलवार से वसई विरार महानगर पालिका अंतर्गत पेलहार प्रभाग में अनशन पर बैठे। इस अनशन के बारे में संदीप मिश्रा से बात करने पर उन्होंने बताया कि आम जनता की तकलीफ और नगर को सत्यानाश से बचाने के लिए मुझे और साथ थे हमारे सहयोगी तपती धूप में खुले आसमान के नीचे लोगों के हक के लिए और नगर की खूबसूरती बचाने के लिए हम हमारे साथी और बहुत सारी महिलाएं अनशन पर बैठी हैं। अंत में उन्होंने कहा कि जब तक नगर पालिका से हम लोगों को किसी प्रकार का आश्वासन नहीं मिलता है अनशन चालू रहेगा। इस अवसर पर मुख्य रूप से संदीप मिश्रा, सुनील यादव, देव श्रीवास्तव, किरण धनावड़े, नारायण उपाध्याय, संगीता मिश्रा, पंकज दीक्षित, गीता पांडे, आशु पांडे, ललिता पांडे आदि अनशन में शामिल रहीं। आम जनता को इन्होंने वैक्सीन भी नहीं दिया प्रॉपर, भीड़ लगाते थे और हमको सिखाते थे कि दूरी बरतो, वैक्सीन के लिए भीड़, खिचड़ी के लिए भीड़, खिचड़ी के लिए भीड़, हाँ खिचड़ी खिला खिला के खिलाते तो मर घर पट्टी समय पे चाहिए। और इधर देखते देखते पता चला झाड़ कट गया और वहाँ इंडस्ट्रियल तैयार हो गया, क्या है हाई टेंशन ही नीचे बांध काम, गटर बह जाता है, गटर बह जाता है, सोच लो पब्लिक क्या करेगी। जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पे बहुत सारी समस्या है, तो आपके वसई विरार शहर महानगर पालिका से क्या मांगे है, किस मुद्दे पे आज जो मुद्दा आपका ये है गटर समस्या, बांध काम को लेके अन्य कई समस्याओं के लिए जैसे आप बैठे, तो महानगर पालिका से क्या अपील करते हैं, क्या अनुरोध करते हैं, क्या उन्होंने क्या कुछ आश्वासन दिया यहाँ के बंदे ने? अभी तक महानगर पालिका ने कुछ आश्वासन नहीं दिया, 3 साल से सिर्फ ये आश्वासन दे रहे हैं। हमारे में कहावत है कुहनी में गुड़ लगा देना, ना चाट पाओ ना दूसरे को खिला पाओ, ये नगर पालिका करती है। मेरा यही मांग है जो काम नगर पालिका के पेलहार विभाग के सहायक आयुक्त से बात हुआ सहायक आयुक्त से, क्या बात की, क्या सिर्फ उन्होंने एक वही बोला ना कि बोलते हैं कि होगा, कब होगा, 2 दिन में होगा, कब होगा, 3 दिन में होगा, कब होगा, साहब नहीं है, कब होगा, साहब नहीं है, तो इलेक्शन ड्यूटी में, तो वो अब कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, वो हमें नहीं पता है, अब इनको काम करना है। कितने मुद्दे हैं आपके, क्या कुछ कहेंगे उसके बारे में? हमारे सबसे पहला मुद्दा है पानी कनेक्शन जो बंद है कई महीनों से, उसको चालू किया जाए, अवैध बांधकाम पे नियंत्रण किया जाए, अपनी जिम्मेदारी को ये लोग निभा नहीं रहे, ये लोग यहाँ बैठ के सिर्फ वसूली कर रहे हैं अवैध भूमाफियाओं से जो अवैध बांधकाम करते हैं, और इनके पास कोई भी विषय लेकर जाओ तो इनके पास समय नहीं होता। इनका कहना है कि ये वनमाली जी का हमारा इलेक्शन में हम बीते हैं, अभी दूसरा हमें कोई काम मत बोलो आप, और इनके इंजीनियर प्रमोद वर्वे जी जो है वो भी इंटरेस्ट नहीं लेते, साहब को बोलो तो आपका क्या काम है, आप पगार क्यों ले रहे हो, इस विषय पर उनका कोई माहिती नहीं मिलता है।